क्वेश्चन देखो, द पैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ पैन्स, डिलक्स एंड पॉपुलर. ठीक, देखो प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये दिया है. नेक्स्ट देखो, यह ज्ञात किया गया है कि डिलक्स में, अब देखो ये जो इट इज एसर्टेन दैट, हमको इसको फॉलो करते जाना है. देखो, डायरेक्ट मटेरियल इन डिलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ पॉपुलर टाइप. डिलक्स में पॉपुलर की अपेक्षा दुगनी लागत की प्रत्यक्ष सामग्री लगती है. तो डिलक्स में, ठीक है, ये देखो वर्किंग नोट साथ में बनाते चलेंगे सब. डिलक्स और ये हो गया पॉपुलर. क्या बोला है? डिलक्स में इसमें किसकी अपेक्षा? पॉपुलर की अपेक्षा. तो दुगनी लागत, तो डिलक्स पॉपुलर में हो गया एक्स और इसमें हो गया 2x. देखो लिखा है ना, डिलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस. ये देखो डिलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस, तो ये डिलक्स में ये हो गया ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ पॉपुलर टाइप. तो पॉपुलर में एक्स है तो डिलक्स में हो गया 2x. ये किसके लिए बोल रहा है? डायरेक्ट मटेरियल के लिए. तो ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए लिखा. किसी को डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वर 60% ऑफ दोज फॉर डिलक्स टाइप. पॉपुलर का प्रत्यक्ष पारिश्रमिक डिलक्स की अपेक्षा 60% था. डिलक्स की अपेक्षा 60% था. तो डिलक्स का कितना हो गया? x. और इसका कितना हो गया? 60%. तो 60/100 x. यहाँ इसको y ले सकते हैं, अगर ऊपर वाला, अगर हमने ये x ले लिया तो. ये किसकी बात हो रही है? डायरेक्ट वेजेस की. ये सब ऐसे लिखना है आप लोगों को. देखो, डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वर 60%. तो पॉपुलर टाइप कितना है? 60% ऑफ दोज फॉर डिलक्स टाइप. तो डिलक्स टाइप हो गया x और उसका पॉपुलर हो गया 60%. नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड वॉज 30 पैसा पर पेन फॉर बोथ टाइप्स. दोनों प्रकार में उत्पादन परिव्यय 30 पैसे प्रति पेन था. किसका बोल रहा है? ये प्रोडक्शन ओवरहेड, ये वाला प्रोडक्शन ओवरहेड 30 पैसा बोल रहा है ना, 30 पैसा पर पेन. तो 0.30 पर पेन है ना, एक पेन का दोनों में. नेक्स्ट इसमें देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ईच टाइप वॉज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर. तो डायरेक्ट लेबर कौन सा है अपना? ये डायरेक्ट वेजेस, इसी को ही बोलते हैं अपन डायरेक्ट लेबर. दोनों, ये देखो, दोनों प्रकारों में प्रशासनिक उपरिव्यय प्रत्यक्ष श्रम का 200% था. तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होगा? 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर दोनों में. नेक्स्ट देखो, सेलिंग कॉस्ट दिया है 25 पैसा पर पेन. प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष में उत्पादन निम्न प्रकार था. तो डिलक्स का देखो कितना हो रहा है प्रोडक्शन, 40,000 पेन, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है. और सेल कितना कर रहा है? जिनमें से 36,000 बेच दिए गए, 36,000 वर सोल्ड. तो प्रोडक्शन इतने का है और सेल कितने का हो रहा है? 36,000 डिलक्स में, और पॉपुलर में 120,000 ऑफ विच 1,00,000 वर सोल्ड. पॉपुलर प्रकार कितना है? 1,00,000 पेन, जिनमें से 1,00,000 बेच दिए गए. विक्रय मूल्य मीन सेलिंग प्राइस दिया है डिलक्स का भी और पॉपुलर का भी. कॉस्ट शीट बनानी है शोइंग द टोटल कॉस्ट पर पेन, ठीक है. अब मैं वर्किंग नोट स्टार्ट कर रही हूँ. अब सबसे पहले वर्किंग नोट में ये वाला देखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का. देखो कितने का प्रोडक्शन हो रहा है डिलक्स में? 40,000 का. और पॉपुलर में कितने का हो रहा है? 1,20,000 का प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ पे देखो, मैंने पॉपुलर को क्या माना है? x. तो लिखना, लेट द पॉपुलर बी x. तो डिलक्स कितना लिया था मैंने? 2x लिया था. अब देखो कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 40,000. 40,000 इंटू ये किसका हो रहा है? देखो डिलक्स का.
इंटू टू एक्स प्लस इसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है 1,20,000 इंटू इसकी कॉस्ट कितनी है पॉपुलर की एक्स बोल रहा है, डिलक्स की प्राइस कितनी बोल रहा है 2x और पॉपुलर की कितनी बोल रहा है एक्स और टोटल कितना हो रहा है डायरेक्ट मटेरियल का इधर देखो ये देखो हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू से 2 लाख रुपए का 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख तो 40,000 इंटू टू 80,000 एक्स प्लस 1,20,000 एक्स इज इक्वल टू 2 लाख तो ये हो गया 2 लाख एक्स ये भी हो गया 2 लाख तो एक्स कितना आया अपना 1 इसको इससे डिवाइड कर दूंगी तो यहां तक समझ में आया Yes, ma'am. देखो ये एरो फॉलो करो पॉपुलर है एक्स डिलक्स है अपना 2x तो पॉपुलर कितना हो गया 1,20,000 और डिलक्स हो गया 80,000 क्लियर करूं मैं अगर बन गया हो तो सब वर्किंग नोट नोट करते चलेंगे साथ में क्लियर करूं मैं यस मैम सब नोट करते चलो साथ साथ अब नेक्स्ट देखो ये वाला डायरेक्ट मटेरियल तो हो गया अब करेंगे अपन किसको डायरेक्ट वेजेस को ये मैं हटा रही हूं ना यहां से ये डायरेक्ट मटेरियल वाला जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे ना आप लोग साथ में अब डायरेक्ट वेजेस अब इसमें देखो डायरेक्ट वेजेस को मैंने कितना लिया है डिलक्स को लिया है एक्स है ना और पॉपुलर को लिया है मैंने इसमें 0.60 परसेंट में है ना तो इसको 0.60 ले सकते हैं एक्स सेम वे डिलक्स में कितनी पेंस है 40,000 इंटू एक्स प्लस पॉपुलर में कितनी है 1,20,000 इंटू 0.60x इक्वल कितना है देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है अपने पास टोटल में ये देखो ये डायरेक्ट वेजेस 1,12,000 तो 1,12,000 तो 40,000 एक्स प्लस 1,20,000 इंटू 0.60x करो 72,000 आएगा है ना एक्स इज इक्वल टू 1,12,000 टोटल करेंगे दोनों का फिर से 1,12,000 एक्स इज इक्वल टू 1,12,000 तो एक्स हो गया अपना 1 तो फिर से अब डिलक्स देखो कितना था अपना 40,000 एक्स था तो इसमें एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया 40,000 और पॉपुलर में देखो कितना है पॉपुलर का 1,20,000 इंटू 0.60x तो 1,20,000 इंटू 0.60 ये x की जगह 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 72,000 क्लियर है यहां तक यहां लिखूं क्या ऊपर देखो फिर से लिख देती हूँ ना यहाँ पे यस मैम देखो डिलक्स का कितना था 40,000 पेन थी और x लिया था और पॉपुलर का कितना है 1,20,000 ये 0.60x है ना तो x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पे 0.60 इंटू 1 तो इंटू करो 40,000 से और उसमें इंटू करो 1,20,000 से तो इन दोनों का तो 40,000 भी आएगा और इसका आएगा 72,000 ठीक यहां तक हुआ सबका किसी को डाउट है तो पूछो मोनिका गजाला जिज्ञासा समझ में आ रहा है आप लोगों को यस मैम अलका यस मैम क्लियर क्लियर है ना आशुतोष समझ में आ रहा है आपको
अगर डाउट है कहीं तो तुरंत पूछ सकते हो. मैं क्लियर कर रही हूँ ना जिज्ञासा, क्लियर करूँ? यस मैम. चलो अब नेक्स्ट देखो, दोनों प्रकार के उत्पादन परिवे 30 पैसा है ना. अब देखो इतना वर्किंग नोट नहीं है, अब 30 पैसा है तो अपन डायरेक्ट 0.30 कर देंगे. यही दो मेन कैलकुलेशंस थी, अब स्टेटमेंट की तरफ आएंगे अपन. अब मैं ये पूरा क्लियर कर रही हूं ना. चलो अब स्टेटमेंट में आओ. पर्टिकुलर एक टोटल कॉस्ट, एक कॉस्ट पर यूनिट, एक डिलक्स का बनेगा, एक पॉपुलर का बनेगा. अब जल्दी जल्दी बस पुट करते चलना है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है अपने को. यहाँ पे बनाओ पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट, फिर ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट. ठीक. अब ये डिलक्स का है, यहाँ पे पॉपुलर का है, पॉपुलर के कितने हैं 1,20,000. देखो प्रोडक्शन है, अभी अभी हम सिर्फ प्रोडक्शन पे चल रहे हैं ना. ये देखो 40,000 और 1,20,000. अभी बेचे कितने हैं, 1 का 36 और 1 का 1,00,000, इस पे बाद पे आएंगे. और डिलक्स में कितना है 40,000. अभी सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है. अब नेक्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट क्या लिखते हैं अपन इसमें, डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल हमने निकाला था, इसका डिलक्स का कितना निकाला था 80,000, पॉपुलर का कितना निकाली थी मैं 1,20,000, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 40,000 डिवाइड बाय 8,000, ये हो गया 20. सेम वे ये हो गया 1. नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या ऐड करते हैं, प्लस वेजेस, जहां फिर इसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, वो निकला था अपना, ये निकला था 40,000 और ये निकला था अपना 72,000. तो 40 डिवाइड बाय 40 हो गया 1 और ये हो गया अपना, ये कितना होगा 72 को डिवाइड करो 1,20,000 से, तो तो क्या आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट या फिर मूल लागत, जो भी बोलते हो आप लोग इसको. ये हो गया टोटल 1,20,000, ये हो गया अपना 1,92,000, ये हो गया टोटल इसका 3 और ये हो गया यहाँ पे 1.6. ये हो गया अब डायरेक्ट कॉस्ट आ गया. देखो प्राइम कॉस्ट, इसमें क्या ऐड करते हैं अपन, प्रोडक्शन ओवरहेड. प्रोडक्शन ओवरहेड ही है अपना फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना लागत, है ना. सीक्वेंस में अरेंज करेंगे. कल मैंने किसी को बताया था कि स्पेसिमेन फॉलो करेंगे आप, तो स्पेसिमेन में जो चीजें हैं उसी सीक्वेंस में चलेंगे, और कुछ इसमें मिसिंग है तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. फैक्ट्री ओवरहेड देखो कितना दिया, 30 पैसा प्रति पेन था. तो ये देखो ये 0.30, ये भी हो गया 0.30. तो करो 40,000 इंटू 0.30 करो, करो कितना आएगा 12,000. और सेम 1,20,000 इंटू 0.30 करेंगे तो 36,000 आएगा. ये ऐड कर देंगे अपन इसमें, ये आ जाएगा अपना वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत बोलते हैं जिसको. ये हो गया अपना वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट. टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1,32,000 और ये हो जाएगा अपना 2,28,000. यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो पहले.
किसी को डाउट है यहाँ तक? कहीं पे भी डाउट है तो पूछो। नो मैम। अब नेक्स्ट देखो, वर्क कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं अपन? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो देखो, प्रशासनिक उपरिव्यय प्रत्यक्ष श्रम का 200%, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर हेड, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना बोला है 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 200%। ये रहा आपका डायरेक्ट लेबर, ये था आपका कितना 40,000। तो 40,000 का 200% कितना होगा? 80,000। यहां लिख रही हूं मैं 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। सेम यहां पे देखो 72,000, ये तो इसका 200% कितना हो जाएगा 114,000। तो यहां पे आएगा अपना ऑफिस ओवरहेड जब ऐड करते हैं, सॉरी ये सीक्वेंस बिगड़ गया, एक सेकेंड। मैम वो 144 होगा। हाँ 1,44,000 होगा, ठीक। तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल कितने का हुआ? ये हो गया यहाँ पे ऐसे, टोटल करो ये हो जाएगा 212,000 और ये यहाँ पे होगा 372,000। टोटल करो ये हो गया 2 से और 1,44,000 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 1.2। तो ये हो गया अपना 5.30 और ये हो गया अपना 3.10। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक डाउट है किसी को? क्लियर मैम, सबको क्लियर है? अब याद रखना, किसी को ध्यान होगा कि नहीं, जब देखो प्रोडक्शन कितना है 40, लेकिन बेच कितना रहे 36। सेम ये डिलक्स का था। फिर अब पॉपुलर में अगर आते हैं, प्रोडक्शन है 1,20,000 और सोल्ड कितना कर रहे हैं अपन इसमें 1,00,000। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात अपन क्या ऐड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी जब सेलिंग के खर्चे आते हैं तो प्रोफॉर्मा चेंज कर लेना। एक क्वेश्चन में ऐसे पहले भी करवाई थी, जब प्रोडक्शन कुछ और हो रहा था और सेल पूरा नहीं कर रहे थे, तो अब देखो ये प्रोफॉर्मा यहाँ पे खत्म। अगर इसमें लिखा रहता ना कि 40 का 40 ही बेच रहे हैं तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करती। याद रखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो ये वाला कॉस्ट रहता है, देखो विक्रय लागत। तो जब ये यूनिट चेंज हो जाती है प्रोडक्शन की और सेलिंग की, तो इसके लिए अब अलग से प्रोफॉर्मा स्टार्ट कर लिया करो। तो मैं अब नेक्स्ट प्रोफॉर्मा बना रही हूं, सेकंड। ये था आपका फर्स्ट, ये देखो प्रोडक्शन की कॉस्ट निकल गई। अब सेकंड जब मैं स्टार्ट करूंगी, याद रखना हमेशा किसके पहले चेंज करेंगे? जब अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब ऐड करते हैं, ठीक है, जब विक्रय एवं कौन क्या बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग हिंदी में? बताओ कैसे हो तुम लोग, बताओ क्या बोलते हो तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में? कुछ नहीं बोलते हो क्या? बताओ कौन है हिंदी वाला यहाँ पे? अलका,
चलो नेक्स्ट देखो, ये क्लियर करूं मैं स्टेटमेंट? यस मैम। तुम लोग बताए नहीं ना मेरे को हिंदी वाला, वेरी बैड। ठीक है अब मैं ये क्लियर कर रही हूं पूरा। चलो अब नेक्स्ट बनाएंगे इसमें। अब इसमें देखो है ना, ये सेकेंड प्रोफॉर्मा सेम पर्टिकुलर, ये हो गया आपका डिलक्स का। अब देखो अब कितना सोल्ड कर रहा है, यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल पे देखो ये था 40,000, अब कितना सोल्ड कर रहा है 36,000, और अब यहां पे 1,00,000। अब इधर देखो ये था पर्टिकुलर, यहां हो गया टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, फिर से टोटल कॉस्ट, और यहां पे हो गया कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो एक की कॉस्ट कितनी आई थी डिलक्स वाले में, 5.3 आई थी, और इसमें कितनी आई थी 3.1। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है अब मल्टीप्लाई करो 40,000 इंटू 5.3, अब 36,000 है तो 36,000 को मल्टीप्लाई करो 5.3 से, कितना आएगा सेम 1,90,800, 1,90,800, और यहाँ पे आ जाएगा 3,10,000। ठीक, अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि सेल होगा अभी, तो कितना दिया है देखो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग कॉस्ट वॉज 25 पैसा पर पेन, तो सेलिंग कॉस्ट दिया है 25 पैसा, ये देखो हाईलाइट कर रही हूँ मैं, दोनों प्रकार की विक्रय लागत 25 पैसा प्रति पेन थी, तो 0.25, तो 36,000 इंटू 0.25 करोगे तो आएगा 9,000, और ये आएगा 1,25,000। ये हो गया यहाँ तक, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हो गया 1,99,800, ये हो गया 3,35,000, इसको ऐड करोगे तो 5.55, और इसको ऐड करोगे तो 3.35, प्लस इसमें करते हैं प्रॉफिट, तो आता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखो दिया है 7 रुपए फॉर डिलक्स, और पॉपुलर के लिए 5, तो ये हो गया 7 रुपए फॉर डिलक्स और पॉपुलर के लिए हो गया 5, तो 36,000 इंटू 7 करोगे तो हो जाएगा 2,52,000, और यहाँ करोगे 1,00,000 इंटू 5 तो ये हो गया 5,00,000, तो ये बैलेंस माइनस करो इसको इससे, 2,52,000 को 1,99,800 से करोगे तो 52,200, और इसको जब इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1,65,000। यस, तो बैलेंस जो हुआ तो कितने का पर यूनिट हुआ, तो 52,000 को डिवाइड करो 36,000 से ये वाले का, और इसका 1,65,000 को डिवाइड करो 1,00,000 से, तो ये हो गया 1.65, और यहाँ पे हो जाएगा 1.45। तो ये था अपना बैलेंस आंसर। देखो क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट पर पेन, ये देखो आंसर दिया है यहाँ पे 5.5, पॉपुलर का 3.35, ये देखो 5.5, 3.35, फिर ये प्रॉफिट पर पेन 1.45, 1.65। याद रखना इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पे होती है, जब प्रोडक्शन कुछ और है और सोल्ड कुछ और है, तो याद रखना जैसे इसमें था प्रोडक्शन 40 और सोल्ड कितना कर रहा है 36, और इसमें कितना कर रहा था प्रोडक्शन 1,20,000 और बेच कितना रहा था 1,00,000, तो दूसरा चार्ट बना लेना किसके बाद, जब
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपन जब ऐड करते रहेंगे, ये वाला सेलिंग एंड एक्सपेंसेस, तब जस्ट उसके पहले ही चार्ट को चेंज करना है, क्योंकि सेल अलग हो रहा है तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी उतने के ही जुड़ेंगे जितना सोल्ड हो रहा है, याद रखना, नहीं तो कॉस्ट चेंज हो जाती है, क्योंकि उस समय ज्यादा के लिए अगर हम करते 40,000 के लिए तो कॉस्ट कुछ और हो जाती। क्लियर हुआ सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक। और ऐसा ही ना एक एग्जाम्पल होगा आप लोगों की बुक में, तो आप लोग उस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करके देखना। देखो एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस तो है ही आपके पास, इससे अच्छा है कि बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लें।